नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। तो चलिए रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों का जो रही सुर्खियों में। 7 दिनों में जारी होंगे आईटी के नए नियम, डीप फेक पर भी कसी जाएगी लगाम। पटना में ठंड की वजह से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल किए 20 जनवरी तक बंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोहिणी में शुरू किया सुंदरकांड पाठ। यूपी में बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को विधान परिषद की सीट के लिए बनाया उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में की पूजा अर्चना। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी, दिल्ली में आज मध्य प्रदेश क्लस्टर प्रभारियों की अहम बैठक। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निकाला रोड शो। इंडिगो की बड़ी मुश्किलें, पैसेंजर के रनवे पर बैठकर खाना खाने के मामले में नोटिस जारी। मालदीव के रास्ते पर बांग्लादेश, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीएनपी ने की इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत। पंजाब के सीएम मान को जान से मारने की मिली धमकी, आतंकी पुन्नू ने हमला करने के लिए गैंगस्टर्स के साथ आने को कहा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और लाइव अपडेट्स के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज़ पर।